बात करेंगे मध्य प्रदेश के ग्वालियर की, जहां पर वन मंडल द्वारा कनेर झील पर अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें स्कूली बच्चों ने मास्टर ट्रेनर और वन अफसरों के साथ में जंगल में पहुंचकर पेड़ पौधों के बारे में जानकारियां ली है। लेकिन इसी बीच डीएफओ अंकित पांडे की बड़ी लापरवाही भी देखने को मिली है, जहाँ कड़ाके की ठंड में बच्चों को सुबह 8 बजे कनेर झील कैंप में बुलाया गया, जबकि मध्य प्रदेश शासन का आदेश है कि 10:30 बजे से पहले बच्चों को स्कूलों या अन्य गतिविधियों में नहीं बुलाना है। वहीं ग्वालियर वन मंडल ने नियमों का उल्लंघन करते हुए 2 मास्टर ट्रेनर की जगह एक ही मास्टर ट्रेनर को बुलाया, जिनकी उम्र 70 वर्ष के ऊपर है। मौके पर मास्टर ट्रेनर रिटायर्ड SDO भानु शर्मा ने कैमरे के सामने अपने आप को मास्टर ट्रेनर होने से ही इनकार कर दिया। वहीं जब बच्चों से टेम्पो में पूछा गया कि आप कैंप में आपको क्या क्या मिला है, तो बच्चों ने बताया कि हमें एक कप, एक पेन, एक थैला और एक स्टिकर दिया गया है, जबकि इको पर्यटन ने एक दिन के कैंप के लिए 85,000 रुपये निर्धारित किए हैं। कैंपों में 126 बच्चों की संख्या निर्धारित की है, जिसमें बच्चों को लाने और ले जाने के लिए 20,000 रुपये, हर बच्चे के खाने पीने के लिए 210 रुपये, हर बच्चे को 225 रुपये का सामान और 300 रुपये 2 मास्टर ट्रेनरों की मानदेय और अन्य खर्च है 3,300 रुपये जो कि दिया जा रहा है, लेकिन ये सब नहीं दिया जा रहा है। ग्वालियर से योगेश बसारिया की रिपोर्ट। मॉडल हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी। टोटल कितने बच्चे हैं पता है कि मेरे को? हाँ पता है, बच्चे थे 38। टोटल 38 सर? टोटल नहीं, टोटल नहीं, हमारे स्कूल के सिर्फ। आपके स्कूल? हाँ। अच्छा, कितने भी लेके आपको? हम आए थे शायद 8:30 या 9 ऐसे। 8:30 या 9 तो 8 बजे आ गए। हाँ, स्कूल में 8 बजे आ गए थे। 8 बजे क्या मिला आपको यहाँ? नाश्ता और जंगल देखने के लिए, जंगल अनुभव करने के लिए आए थे हम। क्या दिया, क्या हमने आपको सामान, क्या क्या दिया है? पेन दी है। हाँ। और बैग दिया है। हाँ। बैग मिला है, पेन मिली है, किताब बुक मिली है। आपको टी शर्ट मिली? नहीं। आपको बोतल मिली? नहीं। नहीं मिला आपको? मिली? नहीं। क्या क्या मिला आपको? हमको बैग मिला, बुक मिली, पेन मिली, और लगाने के लिए पेन मिली। और टी शर्ट मिली आपको? नहीं। और बोतल मिली आपको? नहीं। जड़ी बूटियाँ मिली आपको? नहीं। हाँ, वन विभाग ने बुलाया, वन विभाग के क्या 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 बुलाया? आइए, सीखिए और सिखाइए, अगर कुछ आप पे है सीखे हो जिंदगी भर में तो उसको सिखाइए, इसलिए आए हम। मुझे है ही नहीं आइडिया, कौन DF साहब ही बताएंगे कि कौन से ट्रेनर हैं। बच्चे अभी 120। और ट्रेनर कितने हैं? ट्रेनर यहाँ हैं 2। वो ट्रेनर कौन है, मिल पाएंगे? ट्रेनर आने वाले हैं 2, आएंगे 2। जब होगा ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। बच्चे तो एक तो करीब 26 आने चाहिए थे, ये तो 120 आया ना सूची के साथ। टोटल 130 का टाइम होता है सर, 2 ट्रेनर होती हैं। प्राइवेट जो आए हैं, प्राइवेट का नहीं है, सरकारी स्कूल का है। सरकारी स्कूल, ठीक है। शुभ नाम क्या सर आपका? मैं मनोज कुमार जाटा। हम लोगों ने मास्टर ट्रेनर्स के लिए पूछ ग्वालियर वन मंडल से जितने भी चयनित थे, आई थिंक 3 लोगों के नाम लिया था। ग्वालियर वन मंडल में सूची है एक, उसमें हमारे एक तो रेंज ऑफिसर्स और रेंज स्टाफ ने सभी ने ट्रेनिंग ली है, साथ में हर रेंज से 2, 1 डिप्टी हैं और 2 फॉरेस्ट गार्ड्स हैं, प्लस एडेड SD शर्मा हैं, रिटायर्ड कुछ SDOs हैं जिन्होंने ट्रेनिंग ली है।